बिसमिल्मान रहीम माय नेम इज़ शेख उस्मान अली एंड आई एम हेडिंग एचआर डिपार्टमेंट इन टर्थ क्लास फ्रॉम लास्ट सिक्स इयर्स आई एम फीलिंग सो ऑनर्ड कि मुझे आज एचआर लेजेंड प्लेटफॉर्म से uh, मुखाब होने का आपके साथ मौका मिल रहा है मैं पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ और डिस्कशन uh, बेसिकली हमारी लीडर और लीडरशिप के हवाले से ही चल रही थी uh, उसमें यह है कि लीडर और लीडरशिप के हवाले से हम गुजशा चंद सालों से ख़ास आम की ज़बान पे ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा सुन रहे हैं और जब हम लीडर एंड लीडरशिप की बात करते हैं तो डेफिनेटली कंपेरेबिलिटी भी चलती रहती है ना डिफरेंट आप डिपार्टमेंट्स की बात करें चाहे आप पर्सनल लेवल पे बात करें डिपार्टमेंट में प्रोसेस लेवल की बात करें पीपल लेवल की बात करें या स्ट्रेटेजिक लेवल की बात करें हर ही आप ये समझ लें कि सेगमेंट में लीडर एंड लीडरशिप की कंपेरेबिलिटी चलती रहती है इसी तरह आप कंपनी से बाहर निक, निकलकर माशरे की बात करें तो डिफरेंट सोसाइटीज़ की भी कंपेरेबिलिटी आपस में गेज की जाती है इसी तरह आप कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो उसके अंदर भी कंपेरेबिलिटी चलती रहती है आप कंट्री लेवल पे पॉलिटिक्स की बात करें तो उसके अंदर भी कंपेरेबिलिटी चलती रहती है तो ये कंपेरेबिलिटी जो है ये कहीं ना कहीं उस जगह की आ, उस एंटिटी की आ, एक लीडरशिप प्रोसेस ही आ, आपको जो है ना वो एग्जिबिट हो रहा होता है अब लीडर और लीडरशिप की जो फ़र्क है उसको भी पहले समझना ज़रूरी है कि लीडर इज़ अ पर्सन हु टेक्स अ ग्रुप ऑफ पीपल टू अ प्लेस वेयर दे डोंट थिंक दे कैन गो लीडर की जब आप डेफ़िनेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं इसका एक्सपोजर लें तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो जाता है लेकिन लीडर खाली लीडर बन के ही नहीं जो है वो चीज़ों को कर सकता उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होना ज़रूरी हैं और इसी तरह जब लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात करते हैं तो ट्रेड थेरी को ज़रूर स्टडी करें क्योंकि उसमें एक लीडर को अपने अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उसके हवाले से डिस्कशन की गई है अगर आप इसी तरह मैनेजमेंट परस्पेक्टिव में डिस्कशन करें तो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट अप्रोक्सीमेटली वो लोग हैं जिनके अंदर सर्टन अबिलिटीज़ एंड स्किल्स की डेफिशेंसी होती है जिसकी वजह से वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू उनके अंदर एक जो लिंकेज होता है वो मिसिंग होता है और इसी तरह 20 टू 25 परसेंट वो लोग हैं जो कि बाय बॉर्न लीडर कहलाते हैं उसकी रीज़न ये है कि उनके अंदर सर्टन अबिलिटीज़ सर्टन स्किल लेवल उनके अंदर मौजूद होता है फर्दर यह है कि उनको जब वो पॉलिश करते हैं तो वो मजीद जो है वो uh, नुमाया हो जाते हैं हम अक्सर देखते हैं कि डिफरेंट फैमिलीज़ में डिफरेंट मुल्कों में जब एक क्लियर कम्युनिकेशन के साथ स्टेप्स लिए जाते हैं तो लोग उनको आइडलाइज़ करना शुरू कर देते हैं इसी तरह आप लीडरशिप प्रोसेस की अगर आप बात करें तो डेफ़िनेट सी बात यह है कि आप ये देखेंगे कि लीडरशिप जो प्रोसेस है ये एक पूरा एक मैकेनिज्म है ये किसी पोजीशन का नाम नहीं है ये किसी डेजिग्नेशन का नाम नहीं है ये बेसिकली एक इम्पैक्ट का नाम है आप किसी भी वर्किंग सिनेरियो में हैं आप किसी भी वर्किंग टास्क में हैं आप आइधर फ्रेश ग्रेजुएट हैं आप आइधर जो है वो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है ऑफ़ द इंडस्ट्री मैटर ये करता है कि आप जिन भी हालात वाक़ात में हैं क्या आप अपने साथ मौजूदा लोगों को एक नेक्स्ट स्टेप पे एक प्रोग्रेसिव वे में लेके जा सकते हैं अगर लेके जा सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर वो कायदा कायदाना सालाहितें आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ मौजूद है अब फर्दर ये है कि आपने इसको पॉलिश करना है दूसरी बात यह है कि लीडर आ, के साथ हमेशा जहरी सी बात है जब वो लीडरशिप प्रोसेस की बात करते हैं आप तो उसमें एक फॉलोअर्स फॉलोअर्स होना ज़रूरी है जब आप फॉलोअर्स की बात करते हैं तो वो आप के साथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो शिफ्ट हो सकते हैं लेकिन अब आगे कहाँ आप लेके जाएंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे आप तभी लेके जाएंगे जब आपका एक सर्टन विज़न सर्टन मिशन सर्टन गोल्स एंड सर्टन टारगेट्स होंगे ये चीज़ें आपके पास होंगी ये क्लैरिटी होगी तो ही आप फॉलोअर्स को फर्दर आगे प्रोसीड कर सकते हैं और लीडरशिप प्रोसेस जो है वो अपने अंदर फर्दर आगे को प्रोसीड करेगा इसके साथ साथ मैं एक चीज़ भी ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि दो शख्स ऐसे हैं जो कभी भी जिंदगी में अपने नहीं सीख सकते किसी तरह भी नहीं वो सीख सकते एक वो शख्स जो बहुत ज़िद्दी हो और एक वो शख्स कि जिसके अंदर कुछ सीखने की प्यास ना हो जिसके अंदर थ्रस्ट ना हो कुछ सीखने का आ, मैं इसी आ, एक एग्ज़ाम्पल को कोड करना चाहूँगा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वो ये है कि जैसे अबू जहल को बहुत ज़्यादा तबलीग की गई लेकिन चूँकि वो अब बाय नेचर जिद रिजिड रिजिडनेस थी इसकी वजह से वो उन चीज़ों को समझ नहीं सका तो वो अपनी लाइफ को बेहतर नहीं कर सका इसी तरह अगर आप, आप के चचा की बात करें तो जिन्होंने आपने आखिरी वक्त में आ, आप ने आखिरी वक्त में उनके उनको कान में कहा कि चचा आप इस्लाम कबूल कर लें तो उन्होंने कहा कि लोग क्या कहेंगे कि मौत के खौफ से जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया तो मकसद ये है कि वो थ्रस्ट ना होने की वजह से भी वो चीज़ नहीं हो सकी रिजिडनेस एंड थ्रस्ट की कमी की वजह से आ, कोई भी काम पाया तक मील तक नहीं पहुंच सकता आई विश कि हम में से तमाम लोग जो भी ये सुन रहे हैं बात अपने अंदर की कोई भी किसी भी जगह पे कोई रिजिडनेस है उसको ख़त्म करें और अपने अंदर जो प्यास है सीखने की आ, उसको हम बढ़ाएँ इन ज़्यादा सीखेंगे ज़्यादा ग्रो करेंगे लीडर लीडरशिप और लीडरशिप प्रोसेस को भी ज़्यादा समझ पाएंगे क्योंकि मैंने जैसे कहा ये किसी पोजीशन किसी डेजिग्नेशन का नाम नहीं है आप जिस भी सिनेरियो में हैं अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहते हैं तो अपने अंदर मज़ीद ग्रो करने की क्रिएशन करें थैंक यू